सिंधिया समर्थक जो विधायक थे वो वापस आ रहे हैं, भोपाल पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस मामले पर? देखिए, जो ये तो कंफर्म है कि अब ये जा रहे हैं 19 विधायक, और उनका जो फ्लाइट का जो प्रोग्राम है वो भी हमारे पास आ गया है, दस्तावेज हमारे पास है, तो ये तय है कि ये सभी 19 विधायक आज भोपाल जाएंगे। हालांकि फ्लाइट कब है उसका टाइम अभी उस पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन चार्टर्ड फ्लाइट है दोनों, और दो फ्लाइट से ये सभी विधायक जाएंगे। ये खबर ये भी सुनने कि वो जाएंगे और फिर लौट भी आएंगे, संभवतः वहां पे स्पीकर से मिलने का कार्यक्रम है इनका, एक साथ शायद मिले, और ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद लौट आए। तो अभी तक इस तरह की जानकारी है जी। तो क्या जानकारी कि आज ही वापस लौट आएंगे या फिर कल तक वापस लौट आएंगे, क्योंकि आज 3:30 बजे तक का समय दिया था स्पीकर ने, लेकिन अब 3:30 बजने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कब तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर कब तक वापसी का कार्यक्रम अभी तक सामने आ पाया? देखिए, जो चार्टर्ड फ्लाइट पे जो डिटेल्स है उस पर टाइमिंग तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तय है कि वो जाएंगे, और संभावना हमारी हमारे जो सोर्सेस कह रहे थे कि उनको लौटना है ट्रिप से, ये भी क्लियर नहीं है, तय नहीं है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से विधायक आज जाएंगे जरूर, और उस पर डेट जो मेंशन है फ्लाइट का वो आज का ही है जी। तो जिस तरह से अभी क्या कुछ जानकारी मिली है रिजॉर्ट से, ये मंत्री विधायक अभी निकले हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं या फिर अभी भी रिजॉर्ट में हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? हेलो जी, अभी ये जो मंत्री विधायक हैं अभी रिजॉर्ट में हैं या एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं या निकलने वाले हैं, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है? इस पर अभी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, और हालांकि हमारे सोर्सेज हैं वो अभी वो बता रहे हैं कि विधायक निकलने वाले हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है कि निकल पाए हैं कि नहीं निकल पाए हैं। हम तुरंत इसकी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ये खबर आ रही है कि दो स्पेशल विमानों से जो सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक हैं वो वापस भोपाल आ रहे हैं। खबर ये भी है कि भोपाल आकर स्पीकर से मिलने के बाद वो वापस चले जाएंगे, लेकिन जिस तरह से भोपाल एयरपोर्ट पर हलचल बढ़ी हुई है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, तो आपको बता दें कि सिंधिया समर्थक मंत्री विधायक भोपाल पहुंचेंगे, दो स्पेशल विमानों से भोपाल पहुंचने की खबर है। तो आपको बता दें कि दो स्पेशल विमानों से मंत्री और विधायक वापस लौटेंगे, भोपाल आएंगे, यहां पर स्पीकर से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद शायद वो वापस लौट जाएं, ये खबर आ रही है। तो आपको बता दें भोपाल एयरपोर्ट पर काफ़ी हलचल तेज हो गई है, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के तमाम नेता पहुँच चुके हैं। जी, तो आपको ये एक लेटर दिखा रहे हैं विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो डीजीपी को लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 3:30 बजे जो बागी विधायक हैं, जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए। सीआरपीएफ से यहाँ पर सुरक्षा मांगी गई थी और ये आपको लेटर दिखा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग विधानसभा सचिवालय की तरफ से पत्र लिखकर डीजीपी को की गई थी। तो डीजीपी ने सुरक्षा देने को वो तैयार हो गए हैं, लेकिन जो सीआरपीएफ है वो विधानसभा के अंदर नहीं जाएगी, बाहर तक ही रहेगी। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो सूची है जिसमें बेंगलुरु से वापस आने वाले
मंत्री और विधायकों के नाम है और दूसरा वो पत्र है जो विधानसभा सचिवालय ने डीजीपी को लिखा है सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर। तो आपको बता दें कि वापस लौटने वाले मंत्री विधायकों में तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, संतराम, कमलेश जाटव, उमा शंकर गुप्ता के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सुरेश धाकड़, जसवंत जाटव, इमरती देवी, रमाकांत भार्गव, मनोज चौधरी, पुनीत शर्मा, इंदल सिंह कंसाना, अरविंद सिंह भदौरिया, मोहन सिंह और रक्षा सिरोनिया के भी नाम हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी आज वापस भोपाल आ रहे हैं। ये सभी सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक हैं जो कि आज वापस भोपाल पहुंचेंगे और स्पीकर से वो मुलाकात कर सकते हैं आज। और इसको लेकर आज भोपाल एयरपोर्ट पर काफ़ी हलचल तेज़ हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। तो वहीं इन बागी विधायकों के भोपाल पहुंचने को लेकर और विधानसभा आने को लेकर विधानसभा सचिवालय ने डीजीपी से सुरक्षा की मांग की थी, सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की थी। डीजीपी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है, लेकिन विधानसभा के अंदर सीआरपीएफ नहीं जाएगी, बाहर तक ही सीआरपीएफ को मंजूरी दी गई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक वापस भोपाल पहुंच सकते हैं। आज स्पीकर ने उनको भोपाल आने के लिए तलब किया था, अपने सामने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से अब ये सूची एयरलाइन की सामने आई है तो माना जा रहा है कि दो विमानों के ज़रिए ये सभी विधायक और मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और उसको लेकर राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट पर हलचल तेज़ हो गई है। गहमागहमी का यहाँ पर माहौल है। बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस नेता भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। तो आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए हैं। गहमा गहमी का पूरी तरीके से माहौल है, लगातार नारेबाजी वहां पर की जा रही है। पुलिस इन सब को रोकने का प्रयास कर रही है। लगातार जिस तरह से बागी विधायकों के भोपाल पहुँचने की खबर जब से आई है तब से एयरपोर्ट पर हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। बीजेपी नेता पहले ही वहां पर पहुंच गए थे, उसके बाद एक एक कर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो वहां पर बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी वहां पर चल रही है, बड़ी संख्या में पुलिस वहां तैनात है और इस गहमा गहमी के माहौल को शांत करने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है। तो वापस आने वाले मंत्री और विधायकों के नाम हम आपको एक बार फिर से बता दें, सुरेश धाकड़, जसवंत जाटव, इमरती देवी, रमाकांत भार्गव, मनोज चौधरी, पुनीत शर्मा, इंदल सिंह कंसाना, अरविंद सिंह भदौरिया, मोहन सिंह, रक्षा सिरोनिया, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, राज्यवर्धन सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया, संतराम, कमलेश जाटव, उमा शंकर गुप्ता। तो ये जो एयरलाइन की सूची है वो हम आपको बता रहे हैं जिसमें इन सभी के नाम लिखे हुए हैं। तो आपको बता दें कि
बागी विधायक बेंगलुरु से आज वापस भोपाल पहुंच रहे हैं। ये सूची एयरलाइन की सामने आ गई है जिसमें सभी के नाम मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर लगातार हलचल तेज हो गई है जब से ये खबर आई है कि ये सभी बागी विधायक यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तब से बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जब से ये खबर आई है तब से बड़ी हलचल यहां पर तेज हो गई है। तो भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर काफी गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद हैं। बागी विधायकों को लेने के लिए ये वहां पर पहुंचे हैं। लगातार नारेबाजी वहां पर की जा रही है, काफी हंगामा वहां पर मचा हुआ है, गहमा गहमी वहां नजर आ रही है। उनको रोकने का प्रयास वहां पर पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हम खबर पर नजर बनाए हुए हैं, लगातार जिस तरह से पूरा सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में बना हुआ है, उसके बाद आज जो बागी विधायक हैं वो भोपाल लौटने वाले हैं। एक सूची सामने आ गई है जिसमें उन सभी के नाम मौजूद हैं। वहीं जब से ये खबर आई है तब से एयरपोर्ट पर गहमा गहमी बढ़ गई है। बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं, इन विधायकों को लेने के लिए वहां पर मौजूद हैं। वहीं विधानसभा सचिवालय ने पत्र लिखकर डीजीपी से मांग की है सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर। उन्होंने कहा है कि 3:30 बजे जिस तरह से विधायकों को आने की बात सामने आई थी, उसके बाद उन्होंने मांग की थी कि यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, जिसके बाद सीआरपीएफ की सुरक्षा देने के लिए डीजीपी तैयार हो गए। लेकिन उनका कहना है कि सीआरपीएफ केवल विधानसभा के बाहर तक ही सुरक्षा देगी, उसके अंदर सुरक्षा नहीं दे पाएगी। आपको बता दें कि बागी विधायक आज आपको बता दें कि खबर है कि एयरपोर्ट पर सिंधिया और कमलनाथ समर्थक आपस में भिड़ गए हैं, गहमा गहमी वहां पर मची हुई है। एयरपोर्ट पर दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी वहां पर हुई है। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर जुटी हुई है। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी एयरपोर्ट पर हो रही है। जब से ये खबर आई है कि बागी विधायक आज भोपाल लौटेंगे तब से लगातार गहमा गहमी वहां पर मची हुई है। सीआरपीएफ के जवानों ने बीच बचाव किया है तो सिंधिया और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए भोपाल एयरपोर्ट पर। ये पूरा घटनाक्रम इस वक्त चल रहा है, दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद वहां पर देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के जवान वहां पर तैनात है, पुलिस वहां पर तैनात है। तो इस
जो कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई है उनको शांत करने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जमकर नारेबाजी वहां चल रही है। तो सीआरपीएफ के जवानों ने बीच बचाव किया है, शांत करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो एयरपोर्ट पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया है, कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। सीआरपीएफ ने बीच बचाव किया है और इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के एयरपोर्ट पर इस वक्त गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनती वहाँ नज़र आ रही है, जमकर नारेबाजी चल रही है। सीआरपीएफ दोनों को शांत कराने की कोशिश में है। तो आपको बता दें कि जब से ये खबर सामने आई कि बागी विधायक आज भोपाल लौटेंगे, तब से एयरपोर्ट पर गहमा गहमी मची हुई है। तो काफी गहमा गहमी का माहौल मध्य प्रदेश मैं पहले से ही था, और अब जब से ये खबर आई है कि जो बागी विधायक हैं वो वापस लौटेंगे, तब से भोपाल के एयरपोर्ट पर गहमा गहमी और तेज़ हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं मंत्रियों और विधायकों को लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो इस बीच दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है, जमकर नारेबाजी वहां चल रही है। इसको देखते हुए सीआरपीएफ के जवान उनको शांत करने की कोशिश में है। तो कांग्रेस के बागी विधायक जो भोपाल पहुंचेंगे, इस सूची एयरलाइन की सामने आ गई है, उसमें तमाम विधायकों के नाम आए हैं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद एयरपोर्ट पर लोगों का तांता लग गया है, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, इन विधायकों को लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबरें आ रही हैं, आमने सामने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आ गए हैं। इस विवाद की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ अब बीच बचाव कर रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि बागी विधायक आज भोपाल पहुंचेंगे, एयरलाइन की सूची सामने आ गई है जिनमें इन सभी के नाम मौजूद हैं, जिसके बाद से मध्य प्रदेश में गहमा गहमी है। भोपाल एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद हैं।
तो ये सूची हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन नामों की सूची है जो विधायक वापस भोपाल आज लौटेंगे। एयरलाइन की ये सूची है जिनमें इन सभी के नाम मौजूद है और इनके आने की खबर से ही भोपाल में हलचल तेज़ हो गई है। एयरपोर्ट पर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इनके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इनको लाने के लिए वहाँ पर भीड़ जमा है। दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आपस में नारेबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो आपको बता दें कि भोपाल एयरपोर्ट पर काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से एयरपोर्ट पर गहमा गहमी दिखाई दे रही है, क्या कुछ मौजूदा हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो बेंगलोर में 19 विधायक हैं उनको भोपाल पहुँचने की सूचना है। बताया जा रहा है कि 3 विशेष विमान से ये विधायक भोपाल पहुँचेंगे। इसी को देखते हुए कांग्रेस और भाजपा नेताओं का जो है एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। अभी कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा कुछ देर पहले पहुंचे हैं और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर वही दावा किया कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस बहुमत साबित करेगी। हालांकि अभी तक जो विधायकों की पहुंचने की जानकारी है कि वो अभी पहुंच नहीं पाए हैं और काफी समय से पहले इन्फॉर्मेशन थी कि वो लोग बेंगलोर से रवाना हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये भोपाल पहुंचते हैं और इसके बाद जो है अगला कदम क्या उठाते हैं। जी, अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है कब तक वो भोपाल पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लगातार जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक एक कर वहां पर नेता पहुंच रहे हैं, तो अभी कोई सूचना मिल पाई है कि कब तक जो बागी विधायक है वो पहुंच पाएंगे? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी तक इस बात ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो लोग कब तक पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस नेता भी पहुंच रहे हैं, भाजपा नेता भी पहुंच रहे हैं, तो फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए कहा नहीं जा सकता कि ये लोग कितने बजे पहुंचते हैं और इनका अगला रुख क्या होता है, कहाँ के लिए ये लोग रवाना होते हैं। फिलहाल जो है एयरपोर्ट पर गहमा गहमी है, भाजपा कांग्रेस नेता के साथ जो है पहुंचने का सिलसिला तो जारी है। इसके अलावा पूरे एयरपोर्ट को हमने जैसे पहले भी बताया था कि पूरे एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 3 थानों के TI, 2 CST, एडिशनल SP खुद मौके पर हैं और चारों तरफ जो है पुलिस ने जो है 4x24 सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कर रखी है। जी, जिस तरह से ये भी खबर आ रही है कि जमकर नारेबाजी वहाँ चल रही है, बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ झूमा झटकी की भी खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी जो सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है, हमने पहले ही कहा कि कांग्रेस का दावा है कि 19 विधायक हमारे हैं, भाजपा दावा कर रही है कि भाजपा हालांकि दावा तो नहीं कर रही है लेकिन जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि ये लोग सिंधिया ने चूंकि भाजपा का दामन थाम लिया है तो ये लोग सिंधिया समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है भाजपा के खेमे में जाएंगे। तो इसे देखते हुए भाजपा नेता भी यहाँ पहुंचे हैं, वहीं हमने कहा कांग्रेस नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। नारेबाजी की जो बात है, नारेबाजी जो कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं, भाजपा समर्थक जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरह से सज्जन सिंह वर्मा और राहुल कोठारी पहुंचे थे, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी, सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे थे, राहुल कोठारी पहुंचे थे, कैलाश मिश्रा जो डीसी चेयरमैन है, कैलाश मिश्रा यहां पहुंचे हैं और इसके अलावा बिजेंद्र सिंह सिसोदिया भी यहां पहुंचे हैं। ये तमाम नेता जो है फिलहाल जो है स्टेट मार्केट एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और अभी फिलहाल पूरा इंतजार किया जा रहा है कि आखिर ये 19 विधायक कब पहुंचते हैं, क्योंकि करीब 2 घंटे से जानकारी मिल रही है कि 2 घंटे पहले ये बेंगलोर से रवाना हुए थे। जो हमारे एयरपोर्ट के सूत्र बताते हैं कि 1 घंटे 30 मिनट का समय बेंगलोर से भोपाल तक की दूरी तय करने में लगता है विशेष विमान से, तो बावजूद उसके अभी तक इन लोगों का यहाँ मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दोनों ही जो दल है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेताओं का यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो फिलहाल अब कह सकते हैं कि अभी इंतजार की स्थिति है और इन लोगों के पहुंचने के बाद ही हालात स्पष्ट हो सकेंगे। जी, जिस तरह से ये सभी जो कांग्रेस विधायक पहुंचने वाले हैं, जितने भी बागी विधायक हैं, इनको फिर किस तरह से ले जाया जाएगा, क्या सीधा इनको विधानसभा ले जाया जाएगा या फिर कहीं और ले जाया जाएगा, इसको लेकर क्या अपडेट है?
जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके के सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि वह 19 विधायकों को अपने साथ ले जाए, अपने पाले में जो है उनको शामिल कर सके। वहीं भाजपा जो है, भाजपा के नेताओं का पहुंचने का भी सिलसिला इसलिए जारी है, उन्हें भी इसी के लिए भेजा गया है कि वो जो 19 विधायक है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जाए और विधानसभा पहुंचे, विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपने इस्तीफे की पुष्टि करें। जो 19 विधायकों के इस्तीफे पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भोपाल लेकर आए थे, जो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था, विधानसभा अध्यक्ष ने इसके बाद नोटिस जारी करके उन्हें विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष हाजिर होकर उन इस्तीफों की पुष्टि करने के लिए कहा था जी। उसी के अंतर्गत ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है और उन्हीं नोटिस के बाद ये विधायकों के भोपाल पहुंचने की सूचना है जी। ब्रजेश, ये भी खबर आ रही है कि ये सभी जो विधायक हैं वो भोपाल पहुंचेंगे, स्पीकर के सामने वो जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो वापस बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, ये जो जिस तरीके की सारी जानकारी है फिलहाल हम कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें हैं और अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से या कहते हैं किसी भी बात की पुष्टि करना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक ये विधायक भोपाल पहुंचते नहीं, स्पीकर से मुलाकात नहीं करते, क्योंकि हमारे जो सूत्रों हैं उनके से ये भी खबर है कि ये मुख्यमंत्री कमलनाथ से भी विधानसभा में मुलाकात कर सकते हैं, तो इसलिए फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि विधायकों के भोपाल पहुंचने के बाद और भोपाल से विधानसभा पहुंचने के बाद की सारी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर ये विधायकों का अगला रुख क्या है जी। वहीं ये भी खबर आ रही है कि धारा 144 लागू कर दी गई है एयरपोर्ट पर, तो इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तमाम जो है आला अधिकारी पुलिस विभाग के, पुलिस महकमे के और अलग से जो फोर्सेस हैं वो राजा भोज एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई है। एयरपोर्ट को पहले से ही जब विधायकों के आने की सूचना थी तो छावनी में कन्वर्ट कर दिया गया था और उसके बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था जिस ढंग से पुख्ता की गई है इसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 विधायक निश्चित तौर पर भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल कमलनाथ सरकार है तो जो है सरकार का पूरा प्रयास है प्रशासन की मदद से उन विधायकों को विधानसभा जो है कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचाया जा सके जी। जी चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस खबर पर बने रहिए, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और नई अपडेट हासिल करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से भोपाल एयरपोर्ट पर इस वक्त गहमा गहमी का माहौल नजर आ रहा है, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं ये सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस